पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि हम लोगों की 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें अनुदेशकों को अनुदेशक पद पर ही नियमित किया जाए और अनुदेशकों के लंबित स्थानांतरण में नवीन विद्यालय सम्मिलित करते हुए अनुदेशकों का स्थानांतरण उनके इच्छुक विद्यालय पर किया जाए। इसके साथ ही जो महिला अनुदेशकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और अनुदेशक का नियमितीकरण होने तक संविदा व स्वतः नवीकरण का लाभ प्रदान किया जाए। अनुदेशकों को मेडिकल उपचार हेतु परिवार सहित बीमा कराया जाए। इसी तरह कुल 9 मांगे हैं, जिसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद निषाद, भारत भूषण यादव, त्रिभुवन संदीप पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, तो जूनियर हाई स्कूलों में अनुदेशक शिक्षक पद पे कार्यरत हैं। 2013 से 10 वर्ष से अधिक सेवा हम लोगों का हो चुका है। सरकार ने हमें नियमित करने का वादा किया था, उसी वादा को याद दिलाने के लिए हमने पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे अनुदेशक आज माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है कि हम लोगों को नियमित करके हम लोगों का भी जीविकोपार्जन सही से चल सके, हम लोगों के बीवी बच्चे पूरा व्यवस्था में आ सके, क्योंकि हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। मात्र 9,000 रुपए महीने का मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। हम लोग बहुत दुखी हैं। अगर सरकार हम लोगों की बातें मान लेती है तो हम लोग सरकार का शुक्रगुजार रहेंगे। माननीय जिलाधिकारी माध्यम से कहा गया कि आपकी मांगों को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और उसे आग्रह भी करेंगे कि इन अनुदेशक साथियों का मानदेय बढ़ा करके या नियमित करके इन लोगों को भी सामान्य जीवन जीने का व्यवस्था कर दिया जाए। नाम और पद। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं अनुदेशक संघ जिलाध्यक्ष हूँ गोरखपुर।